हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में लग चुकी है इस समय जिया की सभा। जी हाँ, जिया की गलतियां अब जिया को गिनवाई जाएंगी, क्योंकि बिग बॉस ने रखा है एक और टास्क जिसमें अब लगने वाला है जिया को फिर से बड़ा झटका। क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में शुरू हो चुकी है जिया की सभा, जहां पर बिग बॉस ने ये टास्क दिया है कि घर में एक बजर होगा और ये बजर हर उस कंटेस्टेंट को दबाना होगा जिसको जिया की कैप्टेंसी से कंप्लेंट है, जो खुश नहीं है। और ऐसे में यहां पर एक शख्स जिया अपने लिए जूरी के तौर पर चुनेगी और एक शख्स जो इंसान कंप्लेंट करेगा अपने लिए जूरी के तौर पर चुनेगा। बार बार ये बजर दबेगा, लाइट जलेगी और ऐसे में यहां पर जो पहली कंप्लेंट लेकर आई है वो बेबी का लेकर आई है। सबसे पहले बेबी का ने बजर दबाया और ये कहा कि जिया की कैप्टनसी अनफेयर है। जिया ने कैप्टन बनते ही अपने दोस्तों को फेवर करा, उनको टॉप की रैंकिंग दी, उनको अच्छा राशन दिया, मनीषा को जेल में भेज दिया जबकि मनीषा के नियम उल्लंघन उतने नहीं थे। यहां पर एक और बड़ी बात उठाई अभिषेक ने। अभिषेक ने कहा कि अविनाश ने प्रॉपर्टी डैमेज भी की थी और वो भी एक नियम उल्लंघन है। लेकिन अविनाश अपने आप को प्रूव करने के लिए पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बताओ इस घर में सबसे कम कौन इंग्लिश बोलता है, मैं बोलता हूं। एक लाइन इंग्लिश की बोलनी और एक पैराग्राफ इंग्लिश का बोलना बहुत फर्क होता है, लोग यहाँ पर पूरे पूरे पैराग्राफ बोलते हैं। ऐसे में बेबिका ने कहा तो पूजा जी भी डिजर्व करती थी, वो भी रूल्स नहीं तोड़ती। अविनाश ने कहा वो खुलकर इंग्लिश बोलती हैं और इसीलिए वो रूल्स उल्लंघन करती हैं। तो जिया ने जो रैंकिंग दी वो सही थी। यहाँ पर मनीषा बेबिका को सपोर्ट करती हुई नजर आई, तो वहीं पूजा भट्ट ने भी बेबिका को सपोर्ट करते हुए ये बोला कि जब जिया कैप्टन बनी तो उसकी सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि मनीषा की मेडिकल कंडीशन है कि वो अंदर एसी में नहीं सो सकती है, लेकिन अचानक से जिया ने अपना फैसला सुना दिया और ये कह दिया कि वो अंदर बेडरूम में सोएगी। ये मुझे पूरी तरह से अनफेयर लगा। दोस्तों, जिया की कैप्टनसी की वजह से भी कहीं ना कहीं अब बिग बॉस घर को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।